आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत की टीम लगातार ट्रेड फेयर को कवर कर रही है, साथ ही आपको ट्रेड फेयर में आपकी बात क्या कुछ खास है ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं हॉल नंबर 14 के बाहर खड़ी हूँ। चलते हैं हॉल नंबर 14 के अंदर, देखते हैं कि क्या कुछ खास है यहाँ पर। थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि हॉल नंबर 14 में हमें बिहार, केरला, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और साथ ही उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलते हैं अंदर, उन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रेड फेयर में उनका एक्सपीरियंस कैसा है, आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ। हॉल नंबर 14 के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अंदर जब हम आए तो हमें दिखा कि बिजली बचाओ महाअभियान का स्टॉल। चलते हैं और यहाँ पे कुछ देखने में कुछ यूनिक लग रहा है, सीधा इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये क्या है। क्या नाम है सर आपका, पहले आप ये बताइए। मैं रतन चौधरी हूँ, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का फाउंडर हूँ, पटेल नगर ब्रांच का। ये 40% बिल बचाने का ये डिवाइस है। ये आर चौधरी मेरा नाम है जी। 5 साल की गारंटी है, 3 मंथ तक इसका मनी। कैसे काम करता है ये? मोटर बाइंडिंग वाली चीजें बहुत चीज होती है। आप एक बार मुझे यहाँ पे करके बताइए। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर है। ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर है। ये वोल्टेज 220 आ रही है और ये एम्पियर आ रही है। ये इस ट्यूब की, इस ट्यूब के अंदर जो क्वाइल है, मोटर जो लगी है, इसमें पतली तार होती है, तो इसके प्रतिरोध की वजह से 40% बिजली वायर में अटक जाती है। ये अब हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कम हो गया, जो 8 यूनिट थी अब ये 4 यूनिट, ये 40 से 50% बिल बचाती है। यही है ट्रांसमिशन लॉस। मतलब आपने ये एग्जीबिशन के लिए लगाया हुआ है अभी या फिर आपने बेचने के लिए भी लगाया? ये दोनों पर्पस है। ये हॉल नंबर 14 कितने का है? का ये 14J स्टॉल नंबर है। ये 2000 का है, अभी 500 रुपये डिस्काउंट है, 1500 का मिल रहा है आपको। पैन इंडिया सर्विस है। तो अगर आप भी अपने घरों की बिजली 40 से 50% कम करना चाहते हैं तो स्टॉल पर आएं और ये जो डिवाइस है इसे ज़रूर खरीदें। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और कुछ क्या कुछ यूनिक देखने को हमें मिलेगा। देखिए अभी हम लोग हैं एक सोप की दुकान पर, जहाँ पे मेरी नज़र एकदम पड़ी तो मैंने देखा कि कितने यूनिक तरीके के ये सारे सोप्स हैं। चलते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहले आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से, देखिए हार्ट की शेप में, इट्स अ फ्लावर की शेप में, और ये क्या है जानते हैं हम इनसे ही। ऐसा लग रहा था मुझे देखने में कि ये शेल्स हैं, बट इन्होंने मुझे बताया कि नहीं मैम ये सोप्स हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहला तो एक ही, ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, उसमें इतना अच्छे से क्रिएटिविटी करना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, आर्ट और क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही। तो फिर नॉर्मली हम लोग इतना देखते हैं, इंस्टा पे देखता है, पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं, तो नए नए आइडियाज़ लाइक कैंडल्स है, आजकल कैंडल्स बहुत डिज़ाइन में आ रही है, तो वैसे ही सोप का आइडिया आया मेरे पास कि हम सोप भी डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो लोग क्यों खरीदेंगे आपके सोप्स? हम ये नेचुरल सोप्स हैं, इनके अंदर नीम है, एलोवेरा है, तो जो नीम और एलोवेरा है, नीम के जो ओरिजिनल लीव्स होती है ना, हम वो यूज़ करते हैं, कोई आर्टिफिशियल ऑयल्स नहीं यूज़ करते। और सेम एलोवेरा है, जो घर में एलोवेरा हम लोग उगाते हैं उसका नेचुरली हम जेल यूज़ करते हैं। और हल्दी है, कच्ची हल्दी हम लोग जो खाते हैं वो उसका जो हम पीस के उसका जूस यूज़ करते हैं। जैसे ये है, ये फेस सोप है, तो इसमें प्योर हल्दी यूज़ की जाती है। और ओट्स है, हम लोग ओट्स जो है हमारी स्किन सेंसिटिव है, तो हम वॉलनट नहीं यूज़ कर सकते स्क्रब के लिए, तो हम इसमें ओट्स यूज़ कर सकते हैं। और ये चारकोल सोप है, चारकोल जो है ऑयल स्किन से ऑयल कंट्रोल करती है और टैनिंग रिमूव करती है। तो ये लूफा है, हम लोग जो मार्केट में लूफा मिलता है वो प्लास्टिक लूफा होता है मोस्टली, लेकिन ये जो लूफा है, जो तोरी हम लोग सब्जी खाते हैं ना, उसको सुखा के ये लूफा बनता है, तो ये बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली लूफा है। तो ये आपका खुद का आइडिया है? हाँ जी मैम। आपने ही मतलब ये सारे सोप्स क्रिएट करे हैं, आपने ही बनाए? जी हैंडमेड है, ये सारे घर पे बनाए हैं मैंने। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड फेयर में कितनी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम क्रिएटिव है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने एग्जीबिशन के लिए लगाया हुआ है या फिर सेलिंग के लिए? सेलिंग के लिए है मैम। तो एक पीस कितने का आप दे रहे हैं यहाँ पे? मैम ये जो है सारे 80 रुपीज़ पर पीस है, लूफा सोप है वो 100 रुपीज़ पर पीस है। तो देखिए एकदम ऐसा प्राइस है जो महंगा भी नहीं है, कि कोई भी आम जनता आराम से खरीद सकती है। अगर नहीं भी खरीदना है, किसी को ज़्यादा लग रहा है, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि ये बहुत रिजनेबल प्राइस में है और साथ ही कुछ यूनिक चीज़ है। हम इस वक्त आ गए हैं आर्ट ऑफ ओडिशा की शॉप पर, जहाँ पर ये खूबसूरत महिलाओं के लिए हाथों के कंगन है,
गले के नेकलेसेस हैं, पायलें हैं, बिछुए हैं, जितनी भी महिलाओं का जो सामान होता है इयररिंग्स वगैरह, ये सब यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। सर ये कहाँ का सामान है? ये उड़ीसा की है मैम। तो इस सामान में ऐसी क्या खासियत है जो दिल्ली में नहीं मिलता है? जी यहाँ पे मैं हमारा जो चांदी है ना प्योर चांदी में मिलता है और सब जो बना हुआ है सब फिलीगिरी का आइटम है। जो जो तार रहता है ना, जो मतलब जो सिल्वर का तार है, उस तार से हम बनाते हैं खुद, हैंडमेड है सब। जितना चीज़ आप देख रहे हो हैंडमेड है सब। जी मैम, मतलब आप कह रहे हो ये सारा सामान दिल्ली में नहीं मिल सकता, ये सिर्फ वहीं का मिलेगा और आपकी दुकान पे ही मिलेगा? हमारी दुकान नहीं मिलेगा मैम। जी मैम, तो आपने कब से स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हो गया 6 दिन हो गया मैम। बिक्री कैसी है आपकी? अच्छा है मैम, अच्छा सर। अच्छा, दिल्ली के लोगों को अच्छा मिल रहा है? हाँ अच्छा मिल रहा है मैम, बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग रेंज कहाँ से है खरीदने की और एंडिंग कहाँ पे? स्टार्टिंग रेंज 100 है, 20,000 तक। जी मैम, चांदी आप यहाँ पर बेच रहे हैं, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो हॉल नंबर 14 में आए और आर्ट ऑफ उड़ीसा की दुकान है यहाँ पर है। साथ ही यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आंटी कहाँ से आई हैं? हम नरेला, दिल्ली। तो यहाँ पर ऐसा क्या खास दिख रहा है आपको, क्या क्या देखा अभी तक आपने ट्रेड फेयर? मतलब अच्छा, अच्छी चीज़ है, प्योर चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, इनकी चांदी भी अच्छी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। यस, जो यहाँ पर लोकल मार्केट में नहीं मिलती है दिल्ली में, मतलब ये सिर्फ उड़ीसा में ही मिल सकती है? ऐसा तो नहीं है क्या, पर यहाँ पर इनकी चीज़ें अच्छी है। प्राइस कैसे लग रहे हैं आपको? एकदम रीजनेबल है। यस, तो मतलब नॉर्मल इंसान जो आम जनता है वो खरीद सकती है? यस, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। फिर मैं अच्छा है। हाँ जी, क्या कुछ देखने को, नया नया चीज़ें, क्या कुछ नई नई चीज़ें आपको? ये ट्रेडिशनल है सब, यही। कुछ खाने की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं यहाँ। टेस्ट किया कुछ ऐसा? हाँ सब कुछ किया। अच्छा, हमारी जो दर्शक है उनको ऐसा कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि अगर ट्रेड फेयर में आ रहे हैं तो ये तो ज़रूर खाएं या तो ये तो ज़रूर ही लेके जाएं? ये जो खाने की चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो बाहर नहीं मिलती हैं, यही यहाँ के टेस्ट मिलता है। दुकानों में नहीं मिलती है, आम मार्केट में भी नहीं मिलती है। यहाँ का जो टेस्ट है अलग ही होता है। अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। तो ये आंटी बहुत ज़्यादा उत्सुक है मुझसे शायद बात करने के लिए। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी? बहुत अच्छा। हाँ, हम गेट नंबर 10 से आए लेकिन अंदर आए बहुत अच्छा सा सब कुछ लग रहा है कि मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है। मतलब दिल्ली वालों में दम है और ट्रेड फेयर में तो है ही दम। दिल्ली वालों में दम बहुत है क्योंकि बीच में जो हमारा वेलकम हुआ 60+ वालों को जो वेलकम करा है, चाय बिस्कुट दे के, अमेजिंग अमेजिंग। कैसे हुआ था, मतलब जैसे मुझे तो नहीं पता, एक बार ब्रीफ कर दीजिए हमारे फ्रेंड दर्शकों को। से अंदर घुसे तो 60+ वालों के लिए उन्होंने सीट बनाई हुई है बैठने के लिए और उनके लिए रिक्शा प्रोवाइड किया हुआ है कि आप यहाँ सीट पे बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, बिस्कुट रखे हैं वो आप खाइए और फिर इसके बाद तुम्हें रिक्शे में बैठा के अंदर गेट के पास तक छोड़ के जा रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है ये। ओके, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। पहले भी आते हैं लेकिन इस बार ही बहुत अच्छा है। मतलब कि ट्रेड फेयर में आके थकान नहीं हुई? यस यस, सच में बिल्कुल नहीं हुई है और हर नई चीज़ देखने को मिली है। टेस्ट करो तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील आ रहा है। तो हम लोग हॉल नंबर 14 के बाहर आ चुके हैं और हॉल नंबर 14 में क्या कुछ खास था हमने वो आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये सफर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगली वीडियो में आप देखिएगा किसी और हॉल नंबर की कहानी और वहाँ पर क्या कुछ है खास। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।